दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे क्लास 12th फिजिक्स का मॉडल सेट जो कि है 2020 के एग्जाम के लिए बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली जो मॉडल सेट लॉन्च हुआ है उसका जो है आपको इस वीडियो में आंसर हम आपको देने वाले हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, 3 घंटा 15 मिनट का टाइम आपको मिलेगा एग्जाम में और आपको 70 मार्क्स का क्वेश्चन इस पूछा जाएगा, क्वेश्चन रहेगा आपको एग्जाम में दिया जाएगा और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। टोटल मिला के यहाँ पे 100 मार्क्स हो जाती है और आपके लिए यहाँ पे कुछ निर्देश दिया गया है 1, 2, 3 और 4, 5 और आप आराम से इसको रोक के, वीडियो को रोक के आराम से इस सारे को पढ़ सकते हैं। और उसके बाद हम लोग अगर नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आ जाती है सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और सेक्शन बी में आती है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है आपको 1 से 42 तक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें से आपको केवल और केवल 35 का आंसर देना है, आपको केवल 35 का ही आंसर देना है टोटल, जबकि 42 क्वेश्चन दिया रहेगा। तो यहाँ पे 7 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पे ये जो है सबसे पहले हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए है, अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बता देते हैं जहां आपको बिहार बोर्ड से रिलेटेड काफ़ी कुछ देखने को मिलेंगे। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आप जाइए उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां आपको जो है मॉडल पेपर 2020 का मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्लास 12th का मिल जाएगा, विवेक क्वेश्चन, गेस क्वेश्चन आपको मिल जाएगा उस एप्लीकेशन पर। आप वहाँ से आराम से उस PDF को पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और वहाँ पर आपको क्यूज भी चलता रहता है जिससे आपको कुछ अर्निंग्स भी हो जाएगी जो कि आपको पॉइंट्स में मिल जाएगी, सो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन काफ़ी अच्छा है, आप जाइए एक बार ट्राई करिए, डाउनलोड करिए, लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए एक बार डाउनलोड करके देखिए। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है 1, ऑप्शन बी में दिया गया है 0, ऑप्शन सी में दिया गया है अनंत एवं ऑप्शन डी में दिया गया है ऋणात्मक। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी, 0 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसमें दिया गया है 1 वोल्ट से आवेशित 1 माइक्रोफेराड धारिता वाले संधारित्र पर कुल आवेश होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है 0, ऑप्शन बी में दिया गया है 1 माइक्रो कूलम एंड ऑप्शन सी में दिया गया है 1 कूलम एंड डी में दिया गया है अनंत। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी, 1 माइक्रो कूलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन 3 में दिया गया है धारावाही चालक के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन की गति होती है। धारावाही चालक के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है समरूप, ऑप्शन बी में दिया गया है त्वरित, ऑप्शन डी में दिया गया है अपसारित एवं ऑप्शन डी में दिया गया है अपमंदित। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा सी, अपसारित इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो इसमें दिया गया है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक होता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है विद्युत का, ऑप्शन बी में दिया गया है विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन सी में दिया गया है बल आघूर्ण का एंड ऑप्शन डी में दिया गया है विद्युत धारा का। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी, विद्युत ऊर्जा का होता है। किलोवाट घंटा के साथ मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। अब 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है लेंज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। लेंज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है आवेश से, ऑप्शन बी में दिया गया है द्रव्यमान के, ऑप्शन सी में दिया गया है ऊर्जा के एवं ऑप्शन डी में दिया गया है संवेग के। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऊर्जा के। लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है मुक्त आवेश का परावैद्युतता का मान होता है। और मुक्त आवेश का परावैद्युतता का मान होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ऑप्शन बी में दिया गया है 9 × 10⁻¹⁹ न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन सी में दिया गया है 8.85 × 10⁻¹² फेराड पर मीटर एंड ऑप्शन डी में दिया गया है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा सी, 8.85 × 10⁻¹² फेराड पर मीटर। अब 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसमें दिया गया है 50 माइक्रोफेराड धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव का आवेशित किया जाता है। संधारित्र की ऊर्जा होगी
50 माइक्रोफेराड धारिता वाला एक संधारित्र 10 विभव तक आवेशित किया जाता है तो संधारित्र की ऊर्जा होगी। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 2.5 × 10⁻³ जूल। अब हम 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें दिया गया है वान डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जिसके द्वारा उत्पन्न होता है। वान डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जिसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है उच्च धारा, ऑप्शन बी में दिया गया है उच्च वोल्टता एवं ऑप्शन सी में दिया गया है उच्च धारा एवं उच्च वोल्टता दोनों, और डी में दिया गया है केवल अल्प धारा। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी, उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। वान डी ग्राफ जनरेटर उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। अब हम 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें दिया गया है एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम हो तो तार के किसी काट से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम हो तो तार के किसी काट से प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ऑप्शन ए में दिया गया है 0.625 × 10⁻³, ऑप्शन बी में दिया गया है 6.25 × 10⁻¹⁸, ऑप्शन सी में दिया गया है 1.6 × 10⁻¹⁹ एंड ऑप्शन डी में दिया गया है 1.6 × 10⁻¹⁹। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा सी, 1.6 × 10⁻¹⁹। अब हम 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें दिया गया है डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है किस पर। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दिया गया है 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफेराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाती है, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफेराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाती है, बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। तो ऑप्शन ए में दिया गया है 4 माइक्रोफेराड, ऑप्शन बी में दिया गया है 25 माइक्रोफेराड, ऑप्शन सी में दिया गया है 20 माइक्रोफेराड एवं ऑप्शन डी में दिया गया है 164 माइक्रोफेराड। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा सी, 20 माइक्रोफेराड। हम 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दिया गया है प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अचर रहता है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अचर रहता है। ऑप्शन ए में दिया गया है आवृत्ति, ऑप्शन बी में दिया गया है वेग, ऑप्शन सी में दिया गया है तरंग लंबाई, ऑप्शन डी में दिया गया है आयाम। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा आवृत्ति। अब हम 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें दिया गया है 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है उत्पन्न ऊष्मा होगी। 5 वोल्ट प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 2800 कैलोरी। अब हम 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें कहा गया है प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है महो, ऑप्शन बी में दिया गया है ओम, ऑप्शन सी में दिया गया है एम्पियर एवं ऑप्शन डी में दिया गया है फैराड। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा महो। ओम क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें दिया गया है यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने पर इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने पर इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है। ऑप्शन ए में दिया गया है घटती है, ऑप्शन बी में दिया गया है बढ़ती है, ऑप्शन सी में दिया गया है शून्य हो जाती है, या ऑप्शन डी में दिया गया है नहीं बदलती है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा क्या, बढ़ती है। जब हम यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाएंगे तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें दिया गया है
एक प्रिज्म से गुजरती प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण I1 है तथा निर्गत कोण I2 है, तो किरण में न्यूनतम विचलन की स्थिति में होगा। क्या कहा गया है? एक प्रिज्म से गुजरती प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण I1 है तथा निर्गत कोण I2 है, तो किरण में न्यूनतम विचलन की स्थिति किस में होगा? ऑप्शन राइट आंसर आपको हो जाएगा I1 = I2। I1 = I2 होगा तब क्या होगा, इसके आपतन कोण तथा निर्गत कोण में न्यूनतम विचलन होगा। अब हम 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसमें दिया गया है दशमिक संख्या 25 को द्विआधारी में लिखने पर उत्तर होगा। दशमिक संख्या 25 को द्विआधारी में लिखने पर उत्तर होगा, आपको हो जाएगा ए 10012 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसमें दिया गया है यदि एक गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर वृत्तीय फ्लक्स क्या होगी, इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा डी 36π × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब हम 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसमें दिया गया है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? ऑप्शन ए में दिया गया है ब्रेकट श्रेणी, ऑप्शन बी में दिया गया होगा पाश्चन श्रेणी, ऑप्शन सी में दिया गया है लाइमन श्रेणी, या ऑप्शन डी में दिया गया है बामन श्रेणी। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा डी बामन श्रेणी। अब इस नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसमें दिया गया है प्रकाश किरण के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। प्रकाश किरण के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना को कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है विवर्तन, ऑप्शन बी में दिया गया है ध्रुवन, ऑप्शन सी में दिया गया है अपवर्तन, ऑप्शन डी में दिया गया है व्यतिकरण। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन। अब हम 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसमें दिया गया है नीचे दिए गए परिपथ खंड में ए तथा बीच के बीच समतुल्य धारिता होगी। ये फिगर दिया गया है, इसके बीच में समतुल्य धारिता क्या होगी वो आपको कैलकुलेट करना है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा सी 20/9 माइक्रोफेराड। अब हम 22 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं, तो इसमें दिया गया है चुंबक की ज्यामितीय लंबाई LG एवं चुंबक की लंबाई LM में संबंध होता है। चुंबक की ज्यामितीय लंबाई LG एवं चुंबक की लंबाई LM में क्या संबंध होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है LM = 6/5 LG, ऑप्शन बी में दिया गया है LM = LG, ऑप्शन सी में दिया गया है LM = 2 LG एवं ऑप्शन डी में दिया गया है LM = 5/6 LG। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा LM = 5/6 LG। इस नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसमें दिया गया है पानी तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 एवं 4/3 है। कांच से पानी में जाती हुई एक प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण होगा। पानी तथा ग्लास का अपवर्तनांक 3/2 एवं 4/3 है। कांच से पानी में जाती हुई एक प्रकाश की किरण के लिए क्रांतिक कोण क्या होगा? तो ऑप्शन ए में दिया गया है sin inverse 9/8, ऑप्शन बी में दिया गया है sin inverse 3/4, ऑप्शन सी में दिया गया है sin inverse 2/3 एवं ऑप्शन डी में दिया गया है sin inverse 8/9। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा डी sin inverse 8/9। हम 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसमें दिया गया है यंग के द्विक छिद्र प्रयोग में यदि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य दुगुना कर दिया जाए तो फ्रिज की चौड़ाई क्या हो जाएगी। यंग के द्विक छिद्र प्रयोग में प्रकाश का तरंग दुगुना कर दिया जाता है तो फ्रिज की चौड़ाई क्या होगी। ऑप्शन ए में दिया हुआ बराबर हो जाएगी, ऑप्शन बी में दुगुनी हो जाएगी, या ऑप्शन सी में आधी हो जाएगी, या डी में चौथाई हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी दुगुनी हो जाएगी। अब 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसमें दिया गया है उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का 3 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी।
तो इस ऑप्शन ए में दिया गया है 72 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में दिया गया है 36 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में दिया गया है 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में दिया गया है 48 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी, 36 सेंटीमीटर। अब हम 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें दिया गया है श्रेणीबद्ध एलसीएम परिपथ में अनुनाद होने के लिए आवश्यक शर्त है। श्रेणीबद्ध एलसीएम परिपथ में अनुनाद होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है ओमेगा एल इजकल टू 1/ωc, बी में दिया गया है एल इजकल टू ओमेगा सी, सी में दिया गया है ओमेगा एल इजकल टू सी, एवं डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ए, ओमेगा एल इजकल टू ओमेगा सी। 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें दिया गया है एक परिपथ के प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजक आई इजकल टू 50 cos 100 πt है, इस प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होगी। एक परिपथ के प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजक आई इजकल टू 50 cos 100 πt है, तो इस प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होगी? ऑप्शन ए में दिया गया है 100 हर्ट्ज, ऑप्शन बी में दिया गया है 50 हर्ट्ज, ऑप्शन सी में दिया गया है 25 हर्ट्ज, एवं ऑप्शन डी में दिया गया है 200 हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी, 50 हर्ट्ज हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब हम 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है बूस्टर का नियम है, बूस्टर का नियम कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया गया है μ = sin IP, ऑप्शन बी में दिया गया है μ = cos IP, ऑप्शन सी में दिया गया है μ = tan IP, और ऑप्शन डी में दिया गया है μ = tan²IP। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा सी, μ = tan IP। अब हम 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें दिया गया है बीटा क्षय उत्पन्न करता है, बीटा क्षय कौन उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए में दिया गया है संभारिक, ऑप्शन बी में दिया गया है समस्थानिक, ऑप्शन सी में दिया गया है आइसोटोन्स, एवं ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ए, संभारिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें दिया गया है निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ए, एक्स किरण। एक्स किरण की जो तरंग दैर्ध्य क्षमता होती है वो सबसे कम होती है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है डी ब्रोगली तरंग दर लैम्डा एवं संवेग पी में संबंध है, डी ब्रोगली तरंग दर एवं संवेग में क्या संबंध है? इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी, लैम्डा इक्वल टू h/p, इसका राइट आंसर लैम्डा इक्वल टू h/p हो जाएगा। अब 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है ट्रांसफार्मर का कोड बनता है, ट्रांसफार्मर का कोड किससे बनता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है नरम लोहा से, ऑप्शन बी में दिया गया है कठोर लोहा से, ऑप्शन सी में दिया गया है तांबा से, या ऑप्शन डी में दिया गया है जस्ता से। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा नरम लोहा से, ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है वो नरम लोहा से बनता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन विद्युतीय क्षेत्र से त्वरित नहीं होता है, निम्नलिखित में से कौन विद्युतीय क्षेत्र से त्वरित नहीं होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है प्रोटॉन, ऑप्शन बी में दिया गया है न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी में दिया गया है अल्फा कण, एवं ऑप्शन डी में दिया गया है इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है सो विद्युतीय क्षेत्र से त्वरित नहीं होता है। अब 34 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दो परमाणुओं की परमाणु संख्या का अनुपात 1:27 है, दो परमाणुओं की परमाणु संख्या का अनुपात 1:27 है, इसकी नाभिकीय त्रिज्याओं का अनुपात होगा, इसकी नाभिकीय त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया गया है 1:3, ऑप्शन बी में दिया गया है 1:1, ऑप्शन सी में दिया गया है 1:9, ऑप्शन डी में दिया गया है 1:2×√3। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ए, 1:3। अब 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें दिया गया है भू तरंगों के लिए आवृत्ति होने चाहिए,
भू तरंगों के लिए आवृत्ति होनी चाहिए। ऑप्शन ए में दिया गया है 0 ms से कम, ऑप्शन बी में दिया गया 15 kHz से कम, ऑप्शन सी में दिया गया 10^5 msz से अधिक, ऑप्शन डी में दिया गया है 100 msz से अधिक। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी, 1500 kHz से कम, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसमें दिया गया है एक समान विद्युतीय क्षेत्र में ध्रुव को ई की दिशा में थीटा विक्षेपण से किया गया कार्य होगा। एक समान विद्युतीय क्षेत्र में एक ध्रुव को ई की दिशा में थीटा विक्षेपण में किया गया कार्य होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है W इज इक्वल टू PE 1 cos θ, ऑप्शन बी में दिया गया है W इज इक्वल टू PE 1 sin θ, ऑप्शन सी में दिया गया है W इज इक्वल टू PE sec θ, एवं ऑप्शन डी में दिया गया है PE tan θ। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी, W इज इक्वल टू PE 1 sin θ। अब 37 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है एन टाइप के अर्धचालक में प्रमुख धारावाहक होते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है होल छिद्र, ऑप्शन बी में दिया गया है अल्फा कण, ऑप्शन सी में दिया गया है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी में दिया गया प्रोटॉन। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा होल छिद्र। एन टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक क्या होता है? होल होता है। अब 38 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता महत्व होती है, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता महत्तम होती है? ऑप्शन ए में दिया गया एक्स किरण की, ऑप्शन बी में अल्फा किरण, ऑप्शन सी में कैथोड किरण, एवं ऑप्शन डी में गामा किरण। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा डी, गामा किरण। गामा किरण की जो होती है भेदन क्षमता वो सबसे ज्यादा होती है। अब 39 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है तत्व 202x84 का एक नाभिक पहले अल्फा कण और फिर बीटा कण उत्सर्जित करता है, तो परिणामी नाभिक की परमाणु संख्या होगी। ऑप्शन ए में दिया गया है 82, ऑप्शन बी में दिया गया है 83, ऑप्शन सी में दिया गया है 80, ऑप्शन डी में दिया गया है 198। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी, 83 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें दिया गया है पूर्ण तरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 Hz है तो निर्गमन आवृत्ति क्या होगी? का राइट आंसर आपको हो जाएगा सी, 100 Hz इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें दिया गया है किसी परिपथ का प्रतिरोध 12 ओम तथा प्रतिबाधा 15 ओम है, परिपथ का शक्ति गुणांक होगा। किसी परिपथ का प्रतिरोध 12 ओम तथा प्रतिबाधा 15 ओम है, तो परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया गया है 0.4, ऑप्शन बी में दिया गया है 0.8, ऑप्शन सी में दिया गया है 0.125, एवं ऑप्शन डी में दिया गया है 1.25। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी, 0.8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें दिया गया है प्रकाश तरंगों के संचरण में दोलन तल की दिशा तथा ध्रुवन तल की दिशा के बीच का कोण होता है। प्रकाश तरंगों के संचरण में दोलन तल की दिशा तथा ध्रुवन तल की दिशा के बीच का कोण क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है 0 degree, ऑप्शन बी में दिया गया है 90 degree, ऑप्शन सी में दिया गया है 45 degree, एवं ऑप्शन डी में दिया गया है 80 degree। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी, 90 degree इसका राइट आंसर हो जाएगा।